नमस्कार दोस्तों, मैं किशन गार्डनिंग केयर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे कलांचो के पौधे दिखा रहा हूं और मैं बताऊंगा कि मैंने इन प्लांट्स की कैसे केयर की है। मेरे पास हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी के पौधे हैं। हाइब्रिड वैरायटी के मेरे पास 4 कलर हैं। आप देखिए, मैंने इनको अलग अलग गमलों में लगा रखा है और इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है। देसी वैरायटी का कलांचो का पौधा सिंगल पेटल के रेड कलर के फूल खिलाता है और इसके पत्ते थिक होते हैं। देखिए, आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये देसी कलांचो है। इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बिना किसी केयर के ही इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो गई है। इन पौधों में पानी देते वक्त विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पानी जब भी दें, जब इनके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। इनको गीली मिट्टी पसंद नहीं होती है। जब अधिक गीली मिट्टी रहती है तो इनकी स्टेम गलने लगती है और ये धीरे धीरे ये पूरा पौधा सूख जाता है। इसलिए इसका पानी देते वक्त ज़रूर ध्यान रखें। इनके फूलों और पत्तों पर पानी का छिड़काव ना करें, इनकी मिट्टी में ही पानी डालें। इनकी लोकेशन की बात करें तो इनको केवल 1 या 2 घंटे की सनलाइट मिले तो ही काफ़ी रहती है। अधिक सनलाइट में इनको नहीं रखना चाहिए। ये ब्राइट इंडोर लोकेशन में अच्छी ग्रोथ करते हैं। देसी वैरायटी का कलांचो का पौधा डायरेक्ट सनलाइट में रह सकता है, मगर ये हाइब्रिड वैरायटी के कलांचो के पौधे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रह सकते। कलांचों में सर्दियों में फ्लावरिंग होती है और ये मौसम इनका ग्रोविंग पीरियड होता है। इस मौसम में आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इनको सिंगल पत्ते से भी ग्रो किया जा सकता है। इन पौधों की जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, इसलिए इनको 4 से 6 इंच साइज के गमलों में लगाना ठीक रहता है। छोटे साइज के गमलों में इनको लगा रखा है तो भी इनकी रूट्स बाउंड नहीं होती हैं। इन पौधों को अधिक पानी पसंद नहीं होता, इसलिए इनकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाएं। एक्स्ट्रा पानी इनकी मिट्टी से बाहर ज़रूर निकल जाना चाहिए। जब हम इन प्लांट्स को नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो वे केवल कोकोपीट में ही लगे रहते हैं, क्योंकि कोकोपीट में पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। मगर हम घर में अपने गार्डन में इनको जब लगाएंगे तो अकेले कोकोपीट में नहीं लगाना है। कोकोपीट के साथ साथ हमें रिवर सैंड और सिंपल गार्डन सोयल का अच्छा सा एक सोयल मिक्स बना के इनको लगाना है। मैंने इन प्लांट्स की कुछ कटिंग्स लगाई हैं और ये सभी कटिंग लग गई हैं। ये देखिए, एक प्लास्टिक के छोटे से गमले में मैंने इनको लगाया है। देखिए, नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, यानी ये सभी कटिंग लग गई हैं और इनके पत्तों से भी इनको ग्रो किया जा सकता है। तो मैंने भी कुछ पत्ते मिट्टी में दबा दिए थे तो आप देखिए, एक पत्ते से छोटा सा बेबी प्लांट निकल गया है और धीरे धीरे करके इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। जब आप इनके पत्तों को ग्रो करने की कोशिश करते हो तो आप इनको छायादार लोकेशन में ही रखें, डायरेक्ट सनलाइट में इनको ना रखें, नहीं तो ये पत्ते जो हैं वो सूख सकते हैं। इस प्रकार आप भी एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।